गाइस आपके अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं LIC IPO को लेके। LIC IPO का अलॉटमेंट आ चुका है, अलॉटमेंट नहीं चेक किया है तो आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। तो गाइस अगर जो आपको अलॉटमेंट मिल चुका है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को देख के आपका जो डर है वो निकल जाने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको करंट ग्रे मार्केट में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, मतलब ये मान लो आप अर्थ से सीधे फर्श पे आता हुआ दिख रहा है। तो क्या रिटेलर को इससे नुकसान होगा, क्या ये डिस्काउंट में लिस्टिंग हो सकती है, ये सब इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और जो आपका डर है वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डर जो आपका है सही है। तो चलिए देखते हैं हम वीडियो, आराम से स्किप नहीं करना है ताकि आपको पूरा पता चल सके। और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हमेशा जेन्युइन अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेगी अगर जो आप सब्सक्राइब करके रखते हो चैनल को। देन तो पहले गाइस यहाँ पे बता दूं, अब बचा है लिस्टिंग डेट। लिस्टिंग होगी 17 मई को, अलॉटमेंट आपको पता चल चुका है। अब रिफंड जिनको आना है आ चुका होगा, नहीं आएगा तो आजकल में मिल जाने वाला रिफंड आपको। तो यहाँ पे गाइस इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले बता दूं, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आपको -25 to 30 रुपीज तक देखने को मिल रहा है। मतलब जो डिमांड है वो यहाँ पे 30 रुपए 35 रुपए तक भी लोग जबरदस्ती का सेल करते रहे कि भाई किसी को लेना है तो ले लो ग्रे मार्केट में। इसका मैंने आपको रीजन पहले भी कई बार बताया, इसका रीजन ये है कि वॉल्यूम ऑलरेडी मार्केट में इतना ज्यादा है, सबको इतनी आसानी से मिलने वाला था अलॉटमेंट के पहले कि लोग ग्रे मार्केट में डिमांड क्यों ही निकालेंगे। पर जो समझदार लोग हैं वो इसको खरीद कर रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के मैनर में। अब आप बोलेंगे सर नीचे लिस्टिंग होगी तो फिर हम मार्केट से खरीद लेंगे, फिर इसमें समझदारी जैसा क्या है, ऑब्वियस ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये आपको बताने के पहले समझना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 949 रुपए प्राइस बन रखा गया है। आपके लिए 45 का डिस्काउंट था, रिटेलर्स के लिए 904 रुपए के प्राइस बैंड पे आपको मिला होगा। ठीक है, आपने इतना ही लगाया होगा, इतना ही पैसा कटा होगा, 1500 आपको मिला होगा। अगर जो बात करें हम पॉलिसी होल्डर की तो 60 रुपीज का डिस्काउंट मिलता, करीब 889 का हमें देखने को मिल जाएगा पर शेयर। तो यहाँ पे गई पॉलिसी होल्डर को 889 मतलब 890 मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 905 रुपए मान लेते हैं रिटेलर्स को मिला है। अब जो इसका प्राइस बैंड है वो है 949 रुपए 949 का, तो जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 949 पे हमें देखने को मिल रहा है, ना कि आपके प्राइस पे। यहाँ पे 949 -30 रुपीज अगर जो भी मैं कर दूं तो क्या देखने को मिला आपको 919 रुपए, 40 रुपए माइनस कर दूं तो भी आपको यहाँ पे 909 रुपए देखने को मिलेगा। इसके हिसाब से रिटेलर्स अब भी फायदे में है करीब 5 रुपए के, मतलब कि आप अभी भी प्रॉफिट में है। और बात करें हम यहाँ पे अगर जो पॉलिसी होल्डर की, तो गाइस पॉलिसी होल्डर भी अभी भी फायदे में, 890 रुपए का शेयर है आपको जो मिला है। और अभी अगर जो 905 910 भी आ जाता है, 910 मान लेते हैं, तो भी आप 20 रुपीज के फायदे में हो और करीब 5 रुपए 6 रुपए के फायदे में रिटेलर्स हैं। लॉस हो रहा है तो बड़े लोगों को, IBs को, HNIs को, ठीक है। यहाँ पे गई रिटेलर्स और पॉलिसी होल्डर्स अभी भी नुकसान में नहीं है। आप ये चीज क्लियर समझ गए होगे कि नहीं समझ गई, आई थिंक आप समझ गए हो। अगर जो नहीं समझ गए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये फिर से एक बार समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। अब यहाँ पे इसकी लिस्टिंग को लेके जो प्रॉब्लम है कि भाई लिस्टिंग नीचे होगी, यहाँ पे अभी तक तो आप फायदे में ही हो, कम से कम 40 रुपए के नीचे जब ग्रे मार्केट प्रीमियम जाएगा, 40 के 50 रुपए के नीचे जाएगा तब आप लॉस में आना स्टार्ट होगा आपका रिटेलर्स और इनका, अभी तक तो आप फायदे में हो। दूसरा यहाँ पे ऐसी कंपनी जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी टू रेवेन्यू का रेशियो 99% है, मैं 99 बोल रहा हूँ तो 99 प्लस है, यहाँ पे माइनस एक पॉइंट भी नहीं है, 99% प्लस जिनकी रेवेन्यू टू प्रॉफिट रेशियो। रेवेन्यू टू प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ये मैंने फाइनल डिसीजन नाम से एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिस दिन आईपीओ क्लोज होने वाला था LIC का, वो वीडियो करीब 10-11 मिनट की है। उस वीडियो में फाइनल डिसीजन तो बस ऐसे ही था, बट वो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर जो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दे दूंगा फाइनल डिसीजन के नाम से। LIC के बारे में वो वीडियो देखे आपका सारा डर छूमंतर हो जाने वाला है। नीचे भी लिस्ट होता है तो हमें क्या करना है, आप खुद से क्लियर हो जाएगी सारी स्ट्रेटजी। लिस्टिंग स्ट्रेटजी तो दूंगा ही दूंगा, कहां लिस्टिंग हो सकती, क्या करना है, 16 तारीख को एक दिन पहले, लेकिन अभी के लिए आपका सारा डर माइंड में जो भी है निकल जाने वाला वो वीडियो देखने के बाद। यहाँ पे प्रॉफिट और रेवेन्यू रेशियो 99% का, इतना शानदार प्रॉफिट बना रही है ये, प्रॉफिटेबल इतनी बढ़िया है कंपनी की, मतलब खर्चा कम है और प्रॉफिट ज्यादा है और अपने किसी भी पीयर से ज्यादा बेहतर है, मार्केट लीडर है ये। तो ऐसे किसी भी कंपनी की लिस्टिंग होते टाइम में कहीं पे भी नेगेटिविटी आती है तो वापस अपसाइड मोमेंटम आपको दिखाना शुरू कर देगी। जैसे कि अभी अदानी विलमार आपको देखने को मिला, नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी 227-27 के आसपास, वहां पे आपको देखने को मिला। इसके पहले कई सारे आईपीओ के नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी लेकिन वो अच्छा करते हुए दिखे हैं। पीछे कई सारे आईपीओ से कंपैरिजन करेंगे, अब कंपैरिजन में सबसे पहले तो हमारे सामने आ जाएगा पेटीएम, क्योंकि पेटीएम का साइज बड़ा था, इसका भी साइज बड़ा है। पेटीएम लॉस बनाने वाली कंपनी थी, पेटीएम का बिजनेस मॉडल इतना शानदार नहीं था, पेटीएम का एक शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू पे 21,500 रुपए का था, स्टैंडर्ड फेस वैल्यू 10 रुपए पे अगर जो बात करें, क्योंकि वो 1 रुपए की फेस वैल्यू पे 2150 का था, कई जगह जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,500 का शेयर था। यहाँ पे
एटीएम का एक शेयर 2150 का था एक रुपए की फेस वैल्यू पे, और अगर जो यहाँ पे देखें हम एक रुपए की फेस वैल्यू पे, क्योंकि स्टैंडर्ड फेस वैल्यू 10 से डिवाइड करेंगे, 949 को 10 से डिवाइड जब हम करेंगे ये करीब 94-95 रुपीज़ का आने वाला है आपको। और अगर जो रिटेल के लिए देखें तो एक रुपए फेस वैल्यू पे 91 रुपीज़ का अप्रॉक्स शेयर पड़ने वाला है, 91 रुपीज़ का शेयर एलआईसी में आपको मिल रहा है। किस बात की आपको टेंशन है, मार्केट का ये सारा खेल है, रिकवरी हो जाएगा, टाइम दोगे आपको निकल जाएगा। मैं तो बोलूंगा इस आईपीओ में जिसने भी लगाया वो लॉन्ग टर्म में रुके, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जो कोई परेशानी होनी भी है वो आपको मैं आगे स्ट्रेटजी बताई देने वाला हूँ। तो टेंशन किस बात की, आपको बिना टेंशन के इसको एक्सेप्ट करना है कि अलॉटमेंट मिल चुका है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना है। देख सकते हैं यहाँ पे शर्मा का डॉक्टर टेलीग्राम डाल रहा है, करीब 12,000 से ज्यादा लोगों ने भरोसा दिखाया है। यहाँ पे एलआईसी आईपीओ का अलॉटमेंट आया था सबसे पहले, आपको बता दिया था, रात को बहुत लेट आया फिर भी यहाँ पे ओपनिंग में ही बता दिया गया, ये 945 का, इसके पहले भी मैसेज डाला जा चुका था। एलआईसी आईपीओ जिसको मिला है वो परेशान ना हो, हम यहाँ पे आपके साथ हैं। साथ में आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी कॉल, इंडेक्स एफएनओ कॉल भी देखने को मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, इंडेक्स एफएनओ को, स्टॉक एफएनओ देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं टाटा मोटर्स कॉल दी थी, करीब करीब 6,000 से लेके 12,000 से 13,000 तक का लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ आपको मार्केट की रिफाइन न्यूज, लेटेस्ट अपडेट और सारा कुछ देखने को मिल जाता है। आपको इंट्राडे बीटीएसटी कॉल चाहिए तो आपको नीचे ट्विटर का हैंडल देखने को मिल जाएगा, ये लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाने वाले हैं। अगर जो आप इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप फाइंड कर सकते हो शेयर मार्केट टॉक्स जाकर टेलीग्राम पे, और ट्विटर पे आप फॉलो कर लो, वहां पे आपको इंट्राडे और बीटीएसटी वीक में 3 से 4 जरूर मिल जाने वाला है। हम लाइव आते हैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर के लिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, कोई चीज वीडियो से नहीं बताई जाती है तो यहां पे आपके लिए अपडेट किया जाता है प्रॉपर वॉइस रिकॉर्डिंग में, आपको समझाया जाता है। तो यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा यहां पे शेयर मार्केट टॉक्स के टेलीग्राम हैंडल को जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पे, ट्विटर यूज करते हैं तो वहां पे, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सोल्यूशन मिल सके। तो आई थिंक एलआईसी आईपीओ में जो टेंशन थी आपकी कम हो गई होगी। इसके बाद भी कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो -30-35 रुपए देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिए, एक लॉट में जो लॉस होता हुआ दिख रहा है वो करीब 450 से लेके 500-600 रुपए तक का देखने को मिल रहा है, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आपको ये बात समझनी चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्काउंट में मिला है ये शेयर, 40-45 रुपए के 60 रुपए का डिस्काउंट में मिला है। तो अभी आप क्लियर होंगे, पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे आप किसी भी पोस्ट में कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वीडियो करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज स्टे हेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।